ये वीडियो देखने से पहले दोस्तों सब्सक्राइब करें ज्ञानी इनफ चैनल को और प्रेस कर दें बेल आइकन पाने के लिए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, ये मेरा चैनल ज्ञानी इनफ लेकर आया हूँ दोस्तों आपके लिए ऑल न्यू जो फोर्ड एस्पायर का टाइटेनियम वेरिएंट का रिव्यू आप लोग करने के लिए बोल रहे थे, तो वही आज डिटेल में बात करेंगे। इसका जो इंटीरियर है एक्सटीरियर है सब कुछ आपको डिटेल में देखने को मिलेगा। साथ में दोस्तों मैं आपसे ये भी बोलना चाहता हूँ कि आपको अगर टाइटेनियम प्लस का रिव्यू देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे उसका लिंक आपको मिल जाएगा। साथ में अवेलेबल है कंपनी का लिंक भी, अगर आपको गाड़ी अच्छी लगती है आप इसकी टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लिंक यूज़ कर सकते हो इसकी टेस्ट ड्राइव लेने के लिए। कोई क्वेरी होती है इस मॉडल के बारे में या किसी और गाड़ी के बारे में, इसकी और भी किसी मॉडल्स के बारे में, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, उसको मैं रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो आपको अच्छा लगता है, गाड़ी अच्छी लगती है तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आगे कोई वीडियो आप मिस करना नहीं चाहते हो तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हो। तो जल्दी चलते हैं दोस्तों अब गाड़ी के पास और जो इसका डिटेल रिव्यू है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब ऑल न्यू आप फोर्ड एस्पायर का टाइटेनियम वेरिएंट देख रहे हैं और ये इसका एक्चुअल शोरूम लुक आपको दिख रहा है मेरे चैनल पे। यहाँ पे दोस्तों आपसे मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि टाइटेनियम प्लस वेरिएंट भी आप देख चुके हो ऑलरेडी, अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे जो इसकी फ्रंट प्रोफाइल है वो आप अच्छे से पूरा देख सकते हो टाइटेनियम वेरिएंट की। ये डीजल मॉडल है जो आप देख रहे हैं, तो पहले आपको पास से मैं हमेशा की तरह शो कर देता हूँ तो फ्रंट का आपको पूरा कंप्लीट ओवरव्यू और एक आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों जो इसकी ग्रिल है वो चेंज कर दी गई है 2018 में, जो ये मॉडल अभी आया है जो क्रोम का यूसेज है वो आपको इसके फ्रंट में देखने को बहुत अच्छा मिलता है। नीचे देखते हैं तो आपको इस मॉडल में भी फॉग लैंप्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं, बाकी जो आपकी क्रोम गार्निश है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। हेडलैम्प्स आपको यहाँ पे मिलते हैं कन्वेंशनल, और क्लस्टर में भी कोई ऐसा चेंज नहीं है जैसे आपने पुरानी एस्पायर में देखा था, वैसे यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। फ्रंट का मेरे हिसाब से आपको पूरा एक लुक मिल गया होगा, थोड़ा मैं पीछे से भी आपको शो कर देता हूँ यहाँ पे। अब चलते हैं दोस्तों गाड़ी के साइड में और जो इसका साइड लुक है वो आपको मैं पूरा एक फ्रेम में पहले शो करूँगा, तो एक साइड का आप आइडिया ले सकते हो। यहाँ पे साइड पूरा प्रीव्यू आपको यहाँ पे मिल रहा है। चलते हैं दोस्तों इसके व्हील्स की तरफ और यहाँ पे जो इसका लुक है वो आप ले लीजिए। तो पूरे सिल्वर फिनिश पे आपको अलॉय व्हील्स प्रोवाइड किए गए हैं यहाँ पे और अपोलो के आपको इसमें टायर्स मिल जाते हैं। ORVM की दोस्तों बात करते हैं तो आपको ये मिलते हैं बॉडी कलर पे, और आपके इंडिकेटर इंसर्ट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। डोर हैंडल्स हो गए, ये आपको टाइटेनियम में भी बॉडी कलर पे प्रोवाइड किए गए जो काफ़ी बढ़िया लुक दे देता है गाड़ी को। चलते हैं थोड़ा सा पीछे और यहाँ पे जो अपना फ्यूल इंटेक एरिया है वो आप देख रहे हैं, ये आपका फ्यूल इंटेक एरिया हो गया। पीछे की तरफ आ गए हैं यहाँ पे, तो पीछे का पूरा जो बैक प्रोफाइल है वो आप अच्छे से पूरा देख लो यहाँ पे। तो फीगो की जो ब्रांडिंग, एस्पायर की ब्रांडिंग, टाइटेनियम सब कुछ आपको क्रोम पे दिया गया है। बाकी जो आपके पार्किंग सेंसर्स हो गए, रिवर्स पार्किंग कैमरा हो गया, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो इसके टेल लैंप हैं ये आप देख लीजिए, तो आपको कन्वेंशनल पूरा क्लस्टर यहाँ प्रोवाइड किया जाता है, ये आप देख रहे हो। अभी भी इसमें LED वगैरह का यूसेज नहीं है। और आपकी जो पीछे टेल गेट है वहाँ पे भी आपको क्रोम देखने को मिल रहा है, जो आपको प्लेट इंसर्ट यहाँ पे दिया गया है। इसकी जो स्पेस है वो देख लेते हैं, तो जल्दी से इसका जो बूट है वो खोल लेते हैं तो आपको स्पेसेस का आइडिया लग जाएगा। तो और यहाँ पे जो इसका पुलर है तो उसको यूज़ करते हैं, जो बटन दी गई है इसके इंटीरियर में यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये मैंने प्रेस किया और जो आपका बूट है वो ओपन हो गया है। तो यहाँ की जो स्पेसेस हैं वो देख लेते हैं, तो कॉम्पैक्ट सेडान के हिसाब से आपको बहुत बढ़िया स्पेसेस यहाँ पे मिलती हैं, ये आप इसका लुक ले सकते हो यहाँ पे। बाकी जो आपका बूट लैंप है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो कस्टमर के कन्वीनियंस के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है ये। इसको दोस्तों बंद कर देते हैं और चलेंगे गाड़ी के दूसरी साइड, तो इधर से भी आप एक प्रीव्यू ले सकते हो। सारे साइड्स मैंने आपको दिखा दिए हैं, फ्रंट दिखा दिया, और जिसका जो रूफ़ है अब वो भी मैं आपको शो कर दूंगा, जैसे कुछ लोग बोलते हैं रूफ़ शो करने के लिए। तो यहाँ पे आप टाइटेनियम वेरिएंट देख रहे हो, इसके आप रूफ़ भी यहाँ पे देख सकते हो। बाकी जो आपका एंटीना हो गया वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। दोस्तों एक्सटीरियर का तो मेरे हिसाब से मैंने आपको सब कुछ यहाँ पे शेयर कर दिया है, यहाँ पे एक्सटीरियर में कुछ भी नहीं बचा है। अब चलेंगे दोस्तों गाड़ी के अंदर और अंदर जो इसके फीचर्स हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं, सब कुछ आपको बताएंगे और अंदर बैठने में कैसा लगता है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमेशा की तरह मैं पहले आपको बाहर से जैसे शो करता हूँ तो वो आप यहाँ पे लुक ले सकते हो, तो आपको अच्छे से पूरा इसका जो इंटीरियर है, डैशबोर्ड है, वो आप अच्छे से पूरा लुक यहाँ पे ले पाओगे। पीछे का भी प्रीव्यू आप यहाँ पे ले सकते हैं, तो पीछे का भी लुक आप ले लीजिए। जो इसके डोर्स हैं वो आप देख सकते हैं पहले, तो आपकी जो डोर पॉकेट्स हो गई बहुत ही फेयरली ब्रॉड पॉकेट्स आपको प्रोवाइड की गई हैं। आपके जो विंडो कंट्रोल्स हैं, पावर विंडो कंट्रोल्स हैं, वो आप देख रहे हो, विंडो लॉक हो गया। आपका जो डोर खोलने के लिए हैंडल आपको मिलता है पियानो ब्लैक फिनिश पे। यहाँ पे आपके जो ORVM एडजस्टर्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। सीट एडजस्टमेंट्स की बात करते हैं तो आपका जो बैक एडजस्टर और आपका जो हाइट एडजस्टर वो आपको यहाँ प्रोवाइड किया गया है, मैनुअली आपको ये करना है। यहाँ पे दोस्तों जिसकी की है वो भी मैं आपको
आपको शो करना चाहूँगा। तो आपको जो लॉक अनलॉक बटन है और आपका जो बूट ओपनर है, मतलब कि दो बार आपको प्रेस करना होगा और आपका जो बूट है वो ओपन हो जाएगा और आप अपनी पीछे फोर्ड की ब्रांडिंग यहाँ पे देख सकते हो। अब दोस्तों चलते हैं गाड़ी के अंदर और अंदर बैठकर आपसे आराम से बात करेंगे गाड़ी में अंदर बैठने में कैसा लगता है, अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या फंक्शनैलिटी है। तो लेट्स गो इनसाइड द कार। तो दोस्तों मैं ऑल न्यू फोर्ड एस्पायर टाइटेनियम वेरिएंट के अंदर आ गया हूँ, अंदर से आपसे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पूरा आप एक अच्छे से कंप्लीट लुक यहाँ पे ले सकते हो, तो आपको अच्छे से पूरे टाइटेनियम वेरिएंट का आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे जो डोर की बटन्स वगैरह थी सब शेयर कर दी। साइड की आप बटन्स देख लो तो आपका जो लाइट एडजस्टर है, आपका जो बूट ओपनर, अभी मैंने आपको दिखाया भी था, की से भी आप खोल सकते हो और आप यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हो। आपके जो एसी वेंट्स हो गए राउंडेड शेप में मिलते हैं, क्रोम का यूसेज आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। ऊपर का जो डैशबोर्ड है वो आप देख लीजिए, तो आपको जैसे कि एस्पायर में देखने को मिलता है तो बहुत ही फेयरली आपको ब्रॉड डैशबोर्ड मिलता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे दोस्तों जो इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो आप देख लीजिए, तो आपका जो आरपीएम मीटर हो गया, आपका स्पीडोमीटर हो गया, आपका जो फ्यूल गेज है, बाकी जो आपका डीआईएस है, ड्राइवर इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। व्यूइंग भी इसकी ठीक ठाक आपको मिलती है, सिल्वर इंसर्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। इधर आपका जो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है वो आप देख रहे हो, तो इसकी पोजिशनिंग बहुत बढ़िया दी गई और आपका क्रोम का यूसेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो आपके टॉगल्स हैं, आपका वाइपर का टॉगल है, इधर आपका इंडिकेटर और जो लाइट का टॉगल है वो आप यहाँ पे देख रहे हो। स्टीयरिंग दोस्तों हमेशा की तरह मैं पीछे से आपको शो कर देता हूँ, तो आपको पूरी स्टीयरिंग का आइडिया लगेगा। दो टोन यहाँ पे यूज़ करी गई हैं। यहाँ पे जो आपके मीडिया कंट्रोल्स हैं वो आप देख रहे हो, आपका जो कॉलिंग है, मीडिया, वो सब आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो और अच्छी बात है कि कंट्रोल्स प्रोवाइड किए गए हैं। अब दोस्तों जो इसका मिडिल पोर्शन है उसका पूरा आप कंप्लीट लुक पहले नीचे तक ले लो, तो आपको अच्छे से पूरे इसके मिडिल का आइडिया लगेगा। यहाँ पे आप इसका मिडिल प्रोफाइल देख रहे हैं। ये दोस्तों है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम और पूरा ये टच पे दिया गया है। अभी जो ऑप्शंस हैं वो आपको पहले मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपका जो ऑडियो है, मतलब कि जो आपकी म्यूज़िक वगैरह है, आपका जो फ़ोन है, मतलब कि ब्लूटूथ टेलीफोनी हो गया, नेविगेशन है आपको इसमें एम्बेडेड मिल जाता है, रेडियो हो गया, सेटिंग्स हो गया, तो सेटिंग्स भी खोल के देख लेते हैं। तो साउंड है, क्लॉक है, डिस्प्ले है, जनरल है, इन्फो है, यहाँ पे दोस्तों एम्बेडेड नेविगेशन मिल जाता तो अच्छी चीज़ है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको इसमें नहीं मिलता है। यहाँ पे कंसोल की बात करते हैं, फिनिश की बात करते हैं, तो पियानो फिनिश यूज़ किया गया है पूरे इसके एसी में और साइड्स में आप इंफोटेनमेंट सिस्टम के देख रहे हो। नीचे आपके जो कुछ कंट्रोल्स हैं आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम के वो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे कि जो कुछ बटन्स यहाँ प्रोवाइड कर दी गई हैं। तो बाकी मैं कोशिश करूँगा कि इसका एक अलग से डिटेल रिव्यू पोस्ट कर दूँ, तो आपको उसमें और अच्छे से आइडिया लग जाएगा। तो उस वीडियो के लिए भी ट्यून इन रहिएगा चैनल से। और दो रोटरी नॉब्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे दोस्तों हम नीचे आते हैं, तो आपका जो एसी कंट्रोल एरिया है वो आप देख रहे हो, तो डिस्प्ले के साथ आपको ये प्रोवाइड किया गया है और यहाँ पे आपको जितनी भी फंक्शनिंग आपके एसी की वो देखने को मिल जाएगी, तो एक अच्छी चीज़ है। थोड़ा सा आपको फिर से दिखा देता हूँ, तो ये आप देख रहे हैं आपका जो कंट्रोलिंग है वो आपको दिख जाएगी यहाँ से, ऑटोमेटिक एसी आपको इसमें मिलता है। यहाँ पे हो गई कुछ कन्वीनियंस स्पेसेस, आपका यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट, आपका यूएसबी हो गया सॉरी, और ये आपका ऑक्स हो गया, मतलब कि मोबाइल में कोई म्यूजिक है वो आप प्ले कर सकते हो अपने इन्फो में, साथ में यूएसबी में कुछ आपके है तो वो आप यहाँ पे प्ले कर सकते हो। गियर की दोस्तों बात करते हैं, तो आपका 5-speed गियर बॉक्स मॉडल विद रिवर्स पियानो फिनिश यूज़ करा गया है। क्रोम बॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हो, पोजिशनिंग इसकी बहुत बढ़िया है और पूरी जो ये डस्की ब्लैक फिनिश है वो पूरी यहाँ पे कैरी करी गई है और रीच भी इसकी काफ़ी बढ़िया लग रही है। यहाँ पे भी कुछ कन्वीनियंस स्पेसेस आप देखते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पे भी कन्वीनियंस स्पेसेस मिलती है, या कप होल्डर बोल सकते हो, या पीछे भी आपको यहाँ पे कप होल्डर प्रोवाइड किया गया है। जो आपका हैंड ब्रेक है आपको मिलता है ये क्रोम बटन के साथ। चलते हैं दोस्तों को ड्राइवर के साइड, तो यहाँ पे आप एक लुक पूरा ले सकते हो अच्छे से। और इसका जो ग्लव बॉक्स है वो आप देख लीजिए, तो बहुत ही डीप ग्लव बॉक्स आपको प्रोवाइड किया गया है, काफ़ी अच्छी स्पेसेस आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। इसको दोस्तों कर देते हैं बंद। यहाँ पे जो को ड्राइवर साइड का डोर है वो भी आप यहाँ पे देख लीजिए। फिर जो सीट्स हैं वो मैं आपको शो कर देता हूँ, तो हमेशा की तरह जो कुशनिंग है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाकी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो इसकी सीटिंग को लेकर। चेक करते हैं वैनिटी मिरर के लिए, तो आपको लिड के साथ जो वैनिटी मिरर है वो प्रोवाइड किया गया है को ड्राइवर साइड भी चेक कर लेते हैं, तो जी हाँ दोस्तों आपको इधर भी प्रोवाइड कर दिया गया है। ऊपर आपकी जो केबल लाइट्स है वो देख रहे हैं आप, तो काफ़ी इलॉन्गेटेड क्लस्टर दिया गया है, तो आपको बहुत बढ़िया यहाँ पे रोशनी मिलेगी और वो आपको आइडिया यहाँ पे लग रहा होगा। दोस्तों फ्रंट का तो मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ आपसे शेयर कर दिया है, यहाँ पे फ्रंट का मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं बचा है। अब चलेंगे दोस्तों गाड़ी के पीछे वाली सीट में और पीछे बैठकर आपसे आराम से बात करेंगे। उससे पहले मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि इंफोटेनमेंट सिस्टम का अलग से वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगा, बाकी साइड्स में शॉर्ट्स में भी आपको इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो देखने को मिल गई होगी अगर आपने वीडियो पूरा देखा है। अब दोस्तों चलते हैं गाड़ी के पीछे वाली सीट में और पीछे बैठकर आपसे आराम से बात करेंगे कि गाड़ी में पीछे बैठने में कैसा लगता है, पीछे क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या फंक्शनलिटी है। तो लेट्स गो टू द बैक ऑफ द कार नाउ। तो दोस्तों आप ये फोर्ड एस्पायर 2018 का टाइटेनियम वेरिएंट देख रहे हो, इसका जो रियर सीटिंग उसका आपको लुक यहाँ पे मिल रहा है। तो आप जैसे हेडरेस्ट देख सकते हो, एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिलते हैं जो बहुत बढ़िया चीज़ है। कस्टमर कन्वीनियंस से जो और एक इंपॉर्टेंट फीचर रहता है हैंडरेस्ट विद कप होल्डर, तो आपको केवल यहाँ पे हैंडरेस्ट दिया गया है, अच्छी बात है, एटलीस्ट हैंडरेस्ट प्रोवाइड कर दिया गया है। पीछे का जो डोर है, जो रियर डोर है, उसका भी लुक आप पूरा यहाँ पे ले सकते हो। तो दो टोन का यूज़ आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे आपकी पियानो फिनिश हो गई, डस्की फिनिश, और आपका जो पावर विंडो कंट्रोल है, बाकी आपका जो डोर हैंडल है डोर खोलने के लिए वो आपको वही पियानो फिनिश पे प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे दोस्तों हम चलते हैं गाड़ी के अंदर और अंदर बैठकर देखते हैं यहाँ पे
तो 6 फीट मेरी हाइट है, अगर मैं सीट और पीछे भी कर दूँ तो मुझे बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हेडरूम भी बहुत बढ़िया है, मेरा हेड कहीं भी टच नहीं कर रहा और बहुत आराम से मैं बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे जो आप अपने जो ग्रैब हैंडल्स हैं आपके सिक्योरिटी के लिए जो इंपॉर्टेंट रहते हैं आपको मिलते हैं तीनों डोर्स पे, ड्राइवर साइड की ज़रूरत नहीं होती है। सीट्स के बारे में मैंने आपसे बात कर ली, बाकी आपके जो एक्सपीरियंस है वो अवेटेड रहेगा, ज़रूर शेयर करिएगा। यहाँ पे दोस्तों जो इसका फ्रंट है, जो मिडिल है या आप इसका डैशबोर्ड है वो आप देख रहे हो यहाँ पे, तो जैसे कि हमेशा मैं आपको शो करता हूँ हर गाड़ी का, तो आपको अच्छे से पूरा इसका प्रीव्यू मिल जाएगा। ये आप टाइटेनियम वेरिएंट देख रहे हैं तो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम भी अलग होता है। अभी मैंने आपसे आगे बोला था कि इसका मैं अलग से भी डिटेल्ड व्यू पोस्ट कर दूंगा, तो वहाँ पर आप इसको और अच्छे से समझ सकते हो। यहाँ पर आपको गाड़ी के मेरे हिसाब से दोस्तों सारे फीचर्स लगभग मिल गए होंगे, अगर आपने वीडियो पूरा देखा है सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल गई होगी। यहाँ पे दोस्तों मैं वीडियो खत्म करूंगा। आपको अगर ये गाड़ी अच्छी लगी है, ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक दोस्तों देखते रहिए ज्ञानी इनफ, लेकर आता रहूंगा और वीडियोज आपके लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।